हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल UPPCS विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, यहाँ पे हम घटना चक्र की सामान्य हिंदी कर रहे हैं और अभी हमारा जो चल रहा है वो चैप्टर नंबर 19 चल रहा है। आज हम करेंगे पार्ट टू, पार्ट थ्री, तीन पार्ट में कंप्लीट होगा। 100-100 क्वेश्चन के हर एक पार्ट है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 19 है वो है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर गाइस। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 से हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर हम 19 पे पहुंच चुके हैं। अभी आगे के भी आप चैप्टर देख सकते हैं कि अभी आपको आगे क्या क्या करना है। तो दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, मतलब आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर क्या करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आगे 100 क्वेश्चन हम कर चुके थे, आगे के करेंगे आज। तो इस क्वेश्चन नंबर 101 करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ लिखा है चौथ का चांद होना, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसी के लिए अशुभ होना। चलिए, यहाँ लिखा है चौथ का चांद देखने से दोष लगता है, ठीक है। अतः चौथ का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वही, किसी के लिए अशुभ होना। नेक्स्ट हो गया आपका चोर के पैर नहीं होते, तो इसका अर्थ क्या होगा? पापी का मन अस्थिर होता है, मतलब स्थिर नहीं होता, अस्थिर होता है, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है चौकड़ी भूल जाना, तो यहाँ पे आंसर मतलब इसका जो अर्थ है वो होगा रहना, सूचना, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं इसके लिए हम और क्या है, अक्ल काम ना करना या घबरा जाना, ये भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, ठीक है, तो इसका क्या होगा? घबरा जाना। देन नेक्स्ट आपका है चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसके लिए क्या होगा? अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। नेक्स्ट आपका है चैन की बंसी बजाना, तो इसके लिए क्या अर्थ होगा? यहाँ होगा मौज करना। तो इसका अर्थ देखिए आनंद है, मौज करना है, शांत या सुखमय जीवन बिताना भी है। चलिए नेक्स्ट है आपका छक्के छुड़ाना, तो इसके लिए क्या होगा? हमारा पराजित कर देना। नेक्स्ट है आपका छठी का दूध याद आना, तो इसके लिए होगा बुरा हाल होना। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है छठी का दूध याद आना, मतलब मुहावरे का जो अर्थ है वो भारी संकट में पड़ना या अत्यधिक कठिन या कष्टप्रद होना। डॉक्टर हरदेव बाहरी अपनी पुस्तक यानी कि हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग में इसका अर्थ संकट में पिछले सुख की याद आना को मानते हैं, और हमारा जो विकल्प है तो वो है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जमीन आसमान एक करना, इसका मतलब हो गया घोर प्रयत्न करना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास करना किसी चीज़ के लिए, या प्रत्येक उपाय कर डालना। चलिए अब नेक्स्ट आपका है जबान पर लगाम ना होना, यानी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। तो इस यहाँ पे लिखा है जबान पर लगाम ना होना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है? बिना सोचे समझे बोलना, किंतु विकल्प में अर्थ नहीं है, इसलिए हमने क्या बोला? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है जूतम पैजार, तो इसके लिए क्या है? लड़ाई झगड़ा होना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ लिखा है जूते चाटना, यानी कि आपका खुशामद करना, किसी की खुशामद करना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है जूतियों में दाल बांटना, यानी लड़ाई झगड़ा हो जाना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है आपका टाट उलटना, यानी दिवाला निकलना। नेक्स्ट इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, तो इसमें जो रेखांकित शब्द है मतलब टेढ़ी खीर मुहावरा जो है उसका अर्थ क्या होगा? उसका कठिन कार्य होना, ये मतलब एक कठिन कार्य है। चलिए फिर है डपोर शंख, मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बे सिर पैर की बातें करना। चलिए आगे भी देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर ने अपनी हिंदी शब्दकोश पुस्तक में इसका अर्थ शेखी मारने वाला, बड़ी डीलडॉल वाला, फिर है जड़ मूर्ख बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या हुआ? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है
तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता। तो इस ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा? झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट है आपका तलवे चाटना, इसके लिए क्या होगा? चापलूसी करना या चापलूसी करता है जो, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। फिर लिखा है तीन लोक से मथुरा न्यारी, तो इसका क्या मतलब है? सबसे निराला। चलिए यहाँ पे लिखा है ठोता चना बाजे घना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। नेक्स्ट है दिनों का फेर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भाग्य का चक्कर। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लिखा है कभी दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि सबके हैं। तो गाइस इसमें जो ब्लैंक जो जगह है इसके लिए हम क्या भी लिखेंगे? दिन फिरते, मतलब सबके दिन फिरते हैं। चलिए इसमें लिखा है दिन फिरना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दुख के बाद सुख के दिन आना। तो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है दूध का धुला होना यानी कि निर्दोष होना। फिर लिखा है सीमा कुछ छिपा रही है, लगता है दाल में कुछ काला है, तो इसका अर्थ बताना है आपको। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कुछ गड़बड़ होना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस वाक्य में जो दाल में कुछ काला है का अर्थ क्या? कुछ गड़बड़ होना है। अब यहाँ लिखा है द्रौपदी की चील, द्रौपदी द्रौपदी का चील का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कभी समाप्त ना होना। तो दांत काटी रोटी का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब हो गया गहरी दोस्ती। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ओके यहाँ पे एक और है, यहाँ लिखा है आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, यानी कि हमें अर्थ बताना है धूल झोंकने का, इस मुहावरे का, यानी कि धोखा देने में कुशल हैं, धोखा देना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है ना नौमन तेल होना ना राधा नाचेगी का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब हुआ असंभव कार्य। तो इसका अर्थ ना पूरी होने वाली शर्त यानी कि असंभव कार्य होता है। अब लिखा है 9 दिन चले 2.5 कोस, तो इसका जो अर्थ है वो है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यहाँ पे लिखा है नई जमीन तोड़ना, तो इसके लिए अनूठा प्रयोग। तो यहाँ लिखा है किसी नए क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करना या अनूठा प्रयोग, कुछ नया करना मतलब। फिर लिखा है निरुत्तर होना यानी कि आपका जवाब बंद होना। फिर यहाँ पे लिखा है नाक रगड़ना यानी कि हो गया आपका माफी मांगना। फिर है नाक रगड़ना, सेम क्वेश्चन हो गया माफी मांगना। या यहाँ पे लिखा है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ये भी नाक रगड़ना का अर्थ हो गया। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट है नाक का बाल होना, इसका मतलब होगा अकारण प्रिय होना। ठीक है अकारण प्रिय होना, आगे देख लेते हैं। मतलब मुहावरे का अर्थ अतिशय या अधिक प्यारा होना होता है, किंतु विकल्प ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो यही सबसे निकट है अकारण प्रिय होना। चलिए अब लिखा है अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए, मतलब अनिश्चितता के लिए कौन सा मुहावरा हो सकता है? हो गया ना जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है वह हमेशा गलत सलाह देता रहता है, वाक्य के रेखांकित जो अंश है उसका मतलब के लिए उपयुक्त मुहावरा बताना है, यानी कि गलत सलाह देता रहता है, मतलब इसके लिए हो गया पट्टी पढ़ाना। फिर लिखा है पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल, लोकोक्ति का जो है सही अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो गया योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। तो अथवा गुणवान होने पर भी दुर्भाग्य से छोटा काम मिलना, दोनों ही हो सकते हैं। चलिए यहाँ लिखा है पौ बहरा होना, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? अत्यधिक लाभ लेना। चलिए यहाँ लिखा है पारा उतरना यानी कि क्रोध कम होना, यानी कि जो गुस्सा होता है गुस्सा कम होना। पानी पीकर जात पूछना यानी कि काम निकलने के बाद सोचना। तो नेक्स्ट आपका हो गया स्वावलंबी होना,
तो इसके लिए पैरों पर खड़ा होना। चलिए आगे भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है पौबारा होना यानी कि अत्यधिक लाभ होना, पानी फेर देना यानी कि नष्ट कर देना या बिगाड़ देना, फिर फूक फूक कर क्या पैर रखना, अत्यंत सावधानी दिखाना। लिखा है फूक फूक कर कदम रखना, सेम क्वेश्चन हो गया। तो ये हो गया सोच विचार कर काम करना, मतलब अत्यंत सावधानी दिखाना, बहुत सोच समझ के कोई भी काम करना। फिर लिखा है बाँच, क्या जाने प्रसव की पीड़ा, तो लिखा था जिस पर बीती है वही जानता है। फिर लिखा है बिछिया का ताऊ यानी कि अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, गई थी है बछिया, बछिया का ताऊ यानी अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। फिर लिखा है बरस पड़ना यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना, किसी पे गुस्सा होना, ठीक है। फिर लिखा है बात बनाना यानी कि आपका बहाना करना, कुछ भी झूठ मूठ। फिर यहाँ लिखा है प्राय निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं, तो इसमें मतलब बहती गंगा में हाथ धोना। तो बहती गंगा में मतलब इसमें प्राय निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं, इस वाक्य में सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा यही है, बहती गंगा में हाथ धोना, जिसका अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। देखिए यहाँ पे एक निर्देश दिया है जिसमें लिखा है निम्न प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रेखांकित है, तो इसका हमें अर्थ बताना है। तो यहाँ लिखा है बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा, यानी बार बार नाक रगड़ना यानी कि विनती करना। फिर लिखा है यह नौकर तो डैश है, ठीक है, यानी कि मिट्टी का माधो है। तो देखिए मिट्टी का माधो मुहावरे का अर्थ क्या है, सीधा साधा या फिर मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है गुलाब जामुन देख कर रमेश के मुंह में पानी आ गया, तो मुंह में पानी आ जाना यानी कि लालच होना। आगे बढ़ते मुंह की खाना, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी कि हार जाना। अब यहाँ लिखा है हालांकि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने अपनी पुस्तक यानी कि आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में मुंह की खानी खाना मुहावरे का अर्थ क्या बताया है, उन्होंने कहा बुरी तरह हारना, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हार जाना, और यहाँ हम बात कर रहे हैं बुरी तरह हारना। चलिए अब लिखा है मूंग की दाल खाने वाला यानी कि कमजोर, ये बीमारी में खाते, डरपोक, निकम्मा, पुरुषार्थहीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है, माथे पर बल पड़ना यानी असंतोष प्रकट करना। चलिए नेक्स्ट आपका है मेडिकी को जो काम होना यानी बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। नेक्स्ट आपका है मुट्ठी गरम करना यानी रिश्वत लेना। तो अब फिर वही निर्देश है, आपको इसका मतलब बताना है रेखांकित वाक्य का। कोई काम ना करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं, यानी कि आपका खाली बैठना, मक्खी मारना यानी खाली बैठना। चलिए निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा बताइए, धूर्त यानी कि रंगा सियार। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ रंग उड़ना यानी कि घबरा जाना। नेक्स्ट आपका माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित शब्द यानी कि लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ बताना है आपको, तो यानी कि बहुत कठिनाई झेलना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत कठिनाई का अनुभव करना। नेक्स्ट इसमें लाल पीला होना यानी कि बहुत क्रोधित होना यानी क्रोध करना, ठीक है। फिर इसमें लिखा है लश्कर में ऊंट बदनाम यानी कि दोष किसी का पर नाम किसी और का, यानी कि कोई दोषी कोई और है, नाम किसी और का रहा है। फिर इसमें लिखा है लड़कों में लड़का बूढ़े में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब होगा सर्वप्रिय होना। इसमें लिखा है वचन से फिरना यानी कि थूककर चाटना, मतलब आपने जो कहा वो उससे आप फिर गए, मतलब नहीं मान रहे अब उस बात को। चलिए फिर लिखा है विपत्ति मोल लेना, ठीक है, विपत्ति मोल लेना, दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों का सही अर्थ छाटिए, हमारा मतलब विपत्ति मोल जानबूझकर संकट में पड़ना। नेक्स्ट इसमें लिखा है सावधान करना यानी कि कान खोलना।
तो यहाँ लिखा है कान खोलना मुहावरे का अर्थ सावधान करना, आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा डांटना या धमकाना, फिर ओठ चबाना का मतलब होगा क्रोध में आ जाना। यहाँ लिखा है समझौता करना, इसके लिए क्या होगा आपका खाई पाटना। फिर उसके बाद है इसमें लिखा है आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं डैश रिक्त स्थान पर मुहावरे बताना। तो अत्या मतलब इसने कहा आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं स्वयं क्या सिर सिर धुनता है। ओके आगे बढ़ते हैं, लिखा है सिर फिर जाना, इसका मतलब हो गया अहंकारी होना। वैसे इसका सही अर्थ बुद्धि ठिकाने में ना रहना होगा। फिर लिखा है सिर पर पाँव रखकर भागना, यानी कि तुरंत भाग जाना। चलिए इसमें लिखा है सिर पर मरना, यानी इसका हो गया आपका जबरदस्ती आरोप लगाना। फिर लिखा है सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या होगा, यानी कि सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, ठीक है, यानी कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है शौक करना के लिए मुहावरा, यानी कि आपका सिर पीटना, सिर उठाना तो इसके लिए होगा विद्रोह करना। यहाँ लिखा है भेंट प्रकट करना अर्थ के लिए क्या होगा कलई खुलना। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सुंदर वस्तु में और गुण होना। चलिए गाइस यहाँ पे लिखा है डैश के मुंह में हाथ डालना, यानी कि शेर के मुंह में हाथ डालना। फिर मतलब इसका हो गया वीरता का कार्य करना। नेक्स्ट हो गया आपका शैतान की आंत, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी कि बहुत लंबी वस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है शहद लगाकर चाटना, यानी कि किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। तो विकल्प एक किसी चीज़ को व्यर्थ लेकर बैठे रहना उक्त मुहावरे का सही अर्थ है। चलिए आप लिखा अब लिखा है कि हाथ मारना, यानी कि लाभ होना। नेक्स्ट हाथ ना आना, पकड़ में ना आना। तो गाइस यहाँ है हिसाब बैठना, यानी सुबिता होना। तो यहाँ लिखा हिसाब बैठना मुहावरे का अर्थ सुबिता होना है, इसका एक अर्थ क्या होगा पारस्परिक अनुकूल व्यवहार करना। नेक्स्ट है इसमें हथियार डाल देना, तो इसके लिए है हार मान लेना। नेक्स्ट आपका त्रिशंकु होना, यानी किसी और का ना रहना। अब गई हमने मुहावरे देख लिए, अब हम बात करेंगे लोकोक्तियों की वर्ण क्रमानुसार। तो यहाँ पे देखिए पहला हो गया अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ठीक है, यानी छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। चलिए आगे है आपका अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। नेक्स्ट है आपका गाइस देखिए यहाँ लिखा है अपनी करनी पार उतरनी, यानी अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। नेक्स्ट आपका है अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। नेक्स्ट अपनी अपनी बुराई नहीं दिखती है, अर्थ का अर्थ को व्यक्त करने के लिए लोकोक्ति कौन सी होगी आपका चिराग तले अंधेरा। फिर है अंधों में काना राजा, तो इसके लिए गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। फिर है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। नेक्स्ट है निम्न में से मुहावरा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो देखिए यहाँ पे अंग लगना, अंगारे उगलना, अंग अंग फड़कना, ये सब आपके मुहावरे, कौन सा नहीं है अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो देखिए ये आपका मुहावरा नहीं था, ये लोकोक्ति थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि आँख का अंधा नाम, देखिए
यहाँ पे लिखा है आँख का अंधा नाम नयन सुख। तो इसके लिए मतलब इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो क्या होगा, गुण के विरुद्ध नाम का होना। फिर यहाँ पे लिखा है आँख का अंधा नाम नयन सुख, सेम हो गया भाई, गुण के विरुद्ध नाम का होना, मतलब जैसा आपका नाम है वैसे आपके गुण नहीं है। यहाँ लिखा है आंधी आवे बैठ गंवावे, ठीक है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया, विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। फिर लिखा है आसमान से गिरा खजूर पर अटका, यानी कि एक नई मुसीबत में पड़ना, मतलब एक मुसीबत में थे आप, एक नई मुसीबत में और पड़ गए। फिर लिखा है आम के आम गुठलियों के भी दाम, यानी कि दोहरा लाभ, या फिर सब तरह से हितकर, मतलब फायदा हो रहा है हर तरीके से आपको। फिर लिखा है आँख के अंधे गांठ के परे, तो इसके लिए गाइस क्या होगा, ओके, तो आपका ऑप्शन है सी, यानी कि मूर्ख धनवान। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अभी की वीडियो का, आग लगने पर कुआं खोदना, तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो गाइस इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड, मतलब, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। गाइस अब मिलेंगे, एक लास्ट पार्ट और आएगा इसका, पार्ट 3 आएगा, मतलब चैप्टर नंबर 19 का पार्ट 3 आएगा, उसके बाद ये वाला चैप्टर हो जाएगा ख़त्म।